हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है वो किस तरीके से चल रही है, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरे सभी ASO अधिकारियों को झारखंडी जोहार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। आप सभी को पता है कि JSSC के द्वारा अब धीरे धीरे एग्जाम्स को कंडक्ट किया जा रहा है और आप सभी लोग JSSC CGL की तैयारी करते हैं। JSSC CGL में अगर आपने पेपर 2 में हिंदी को सिलेक्ट किया है और हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि हिंदी जो है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है JSSC CGL के एग्जाम में। हिंदी से आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर 2 में, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होने वाला है, यानी टोटल जो पेपर 2 है वो हमारा 300 मार्क्स का होने वाला है। पेपर 2 मेरिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं हिंदी जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है CGL के एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों को CGL का एग्जाम भी देखने को मिलेगा और 17 तारीख, ये डेट जो है वो JSSC के द्वारा बताया गया है कि आप लोग जो है वो 17 तारीख से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। 21 और 22 तारीख को आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हिंदी के वो सभी क्वेश्चंस जो कि JSSC के द्वारा पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और CGL के एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और आप क्लास का PDF हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति या फिर हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, कौन से भाषा से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो शब्द हम लोग जानते हैं हिंदी, ये क्या है, ये एक शब्द है। ठीक है, ये एक शब्द है, तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी। तो हम सभी ने पढ़ा है कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है। अगर हम लोग हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है और हिंदी शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो भी संस्कृत, हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो भी संस्कृत। क्लियर है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं बताएंगे, भाषा जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, लैंग्वेज जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 1, 2, 3 या 4, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से एक बार सभी मेरे साथी कमेंट करके बता देंगे। देखिए अगर हम लोग भाषा की बात करें तो भाषा जनरली जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, 3 प्रकार की होती है। अच्छा, भाषा 3 प्रकार की होती है, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं और हम लोग समझते हैं कि भाषा होती क्या है, हम लोग भाषा किसे कहते हैं। हम लोग भाषा 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 ये कर रहे हैं, भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक माध्यम है, किस चीज की माध्यम है, मेरी बातें आपको समझाने के लिए, मेरी भावनाएं आपको बताने के लिए। भाषा क्या है, एक माध्यम है जिससे मैं अपनी भावना, मैं अपनी फीलिंग्स, मैं अपनी सोच को आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो भाषा क्या है आपको पता चल गया, भाषा एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं अपनी भावना जो है, अपनी सोच जो है, आपको बता सकता हूं या फिर किसी और को बता सकता हूं। ठीक है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, जनरली 3 प्रकार के भाषा होते हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गई लिखित भाषा, अगर मुझे आपको समझाना है कि मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो मैं आपको लिख कर बता सकता हूं कि मुझे जो है वो पैसे चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, मैं आपको बोल कर समझा सकता हूं कि मुझे जो है वो पैसे चाहिए। पहला लिख कर समझा सकता हूं, दूसरा बोल कर समझा सकता हूं,
तीसरा मैं जो है वो इशारा करके समझा सकता हूं कि मुझे जो है वो पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। कितना चाहिए? 500 रुपये चाहिए। मुझे 500 रुपये चाहिए पैसे। तो भाषा जनरली 3 प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा, दूसरा कथित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा जिसे लिखकर समझाया जाए, कथित भाषा जिसे बोलकर समझाया जाए, और सांकेतिक भाषा जिसे हम लोग इशारा करके संकेत देकर समझाएंगे। तो जनरली भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देख सकते हैं, कथित भाषा जिसे हम लोग बोलकर समझाते हैं, लिखित भाषा जिसे हम लोग लिख कर समझाते हैं, ये क्या है? लिखा हुआ है, तो आप समझ रहे हैं। और सांकेतिक भाषा जिसे हम लोग संकेत देकर इशारा के द्वारा समझाते हैं, जैसे जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो अपनी सोच अपनी बातें किस प्रकार से बताते हैं? सांकेतिक भाषा से, संकेत देकर। ठीक है, पानी पीना है तो हम लोग ऐसे करते हैं कि हमें पानी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से भाषा 3 प्रकार के होते हैं और जनरली हम लोग इन तीनों प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आप सांकेतिक भाषा का भी उपयोग करते हैं कभी कभी, आप कथित भाषा का और लिखित भाषा का तो उपयोग करते ही हैं। ठीक है, तो सभी को पता चल गया भाषा कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी लैंग्वेज की लिपि क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है, बताएंगे। पाली, फारसी, ओलचिकी, देवनागरी। हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो जब आप हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं और जब आप हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, हिंदी भाषा की लिपि पता होनी चाहिए। देवनागरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अच्छा चलिए ठीक है, हमें पता चल गया कि सर हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। ठीक सर, लिपि क्या होती है थोड़ा ये भी समझाइए, हमें पता ही नहीं है लिपि क्या होती है। हमने पढ़ लिया कि संथाली जो भाषा है उसकी लिपि ओलचिकी है, इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि है रोमन, और हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी। लेकिन लिपि किसे कहते हैं, क्या है लिपि? तो देखिए, किसी भी भाषा को लिखने का एक सही ढंग होता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे सर ये तो ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ है वो हमें समझ में आ रहा है, और ये क्या लिखा हुआ है हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो है किसी भी ढंग में नहीं लिखा हुआ है, ये एक सही ढंग में लिखा हुआ है इसीलिए आपको समझ में आ रहा है। वही अगर हम इसे ऐसे लिखते तो क्या आपको समझ में आता? नहीं, ये ए को मोड़ दिया गया है, ए ही है लेकिन 90 डिग्री मोड़ दिया गया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक सही ढंग होता है और उसी ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आप समझ गए, बहुत ही आसानी से आप समझ गए कि कोई भी भाषा जो होती है, चाहे वो कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, फारसी हो, सिंधी हो, कोई भी लैंग्वेज, उसे लिखने का एक सही ढंग होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक बार क्लास को लाइक कर दें, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, एक बार क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए आइए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, क्या भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, चलिए पेन का कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, भाषा का उल्लेख किया गया है, बताएंगे। भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है, लैंग्वेज के बारे में बातें की गई है, बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा 26 जनवरी
1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और 26 जनवरी में, जब 26 जनवरी 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। 14 लैंग्वेज आज के टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? अगर आप लोगों से पूछें कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय संविधान को शुरू किया गया था या फिर लागू किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। और ये जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं का उल्लेख आपको भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर घुमा के भी पूछे कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में कितनी भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, क्या होगा? 8। क्या होगा? 8, 8, सॉरी 22 भाषाएं। 8 तो शेड्यूल है और 22 जो है वो लैंग्वेजेस है, 22 भाषाएं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई? ठीक है, आइए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो पार्ट 8 में, ठीक है, अब पार्ट 8 कह रहे हैं, पार्ट जो है वो कौन सा है? 17। पार्ट 17 भारतीय संविधान के भाग 17 में आर्टिकल्स की अगर बात करें तो 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351 तक। और अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें, 8th शेड्यूल में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 17। अगर आपसे पूछे आर्टिकल्स, तो 343 से लेकर 351 आर्टिकल। और स्केड्यूल की बात करें, अनुसूची की बात करें, तो 8th स्केड्यूल। क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, कितने लैंग्वेजेस? तो आप यहां पे देखेंगे कि द 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस। और ये 22 लैंग्वेजेस आपको यहां पे दी हुई है कि असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये जो है वो भारतीय संविधान की 22 भाषाएं हैं। क्लियर है? अब बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? सभी चीजें समझ पा रहे हैं आप आसानी से? चलिए आगे बात करते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। अच्छा चलिए, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तब तक हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्या राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा क्या होती है? जब किसी देश के लोग किसी एक लैंग्वेज को बोलते हैं या फिर किसी एक भाषा का उपयोग करते हैं। समझिए ध्यान से, आपको आंसर मिल जाएगा। जब किसी देश के लोग किसी एक भाषा का उपयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं उस देश की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा डिटेल में समझाइए सर। देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि जब किसी देश के लोग किसी एक भाषा का उपयोग करते हैं, तो उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के लोग किसी एक भाषा का उपयोग ही नहीं करते। भारत में कोई बंगाली बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो भारत में सभी लोग एक भाषा का उपयोग थोड़ी करते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भाषाएं भी बदल जाती है। जिस प्रकार से भारत के क्षेत्र बदलते हैं,
उस प्रकार से भारत में भाषाएं भी बदल जाती है। आप अगर वेस्ट बंगाल जाएंगे तो वहां पे देखेंगे लोग बंगला भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप अगर पंजाब जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे पंजाबी भाषा का उपयोग हो रहा है। आप अगर जाएंगे महाराष्ट्र तो देखेंगे वहां पे मराठी भाषा का उपयोग हो रहा है। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भाषाएं भी बदल जाती है। तो भारत की कोई एक भाषा है ही नहीं, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज, भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, चलिए। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सा है? सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? बताएंगे कि सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी जो भाषा है वो कौन सी है। अगर हम लोग बात करें सबसे पुरानी भाषा की, सबसे प्राचीनतम भाषा की, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक भाषा, वैदिक भाषा। अच्छा सर, ये वैदिक भाषा कौन सी भाषा है? ये संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। संस्कृत को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हो गया वैदिक संस्कृत, दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। संस्कृत के दो पार्ट हैं, एक हो गया वैदिक संस्कृत, दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। और ये जो वैदिक संस्कृत है ये सबसे पुरानी भाषा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आइए, नहीं समझे कोई बात नहीं। अगर हम लोग संस्कृत की बात करें, संस्कृत की, तो संस्कृत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हो गया वैदिक संस्कृत, दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। ठीक है, हम समझ गए सर कि वैदिक संस्कृत क्या है। संस्कृत का ही एक भाग है, संस्कृत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और सबसे पुरानी जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। सबसे पुरानी भाषा वैदिक संस्कृत। लेकिन लोगों के द्वारा सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया गया, लोग सबसे पहले कौन सी भाषा का उपयोग किए, तो वो हो गया लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत को प्रथम जन भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत को प्रथम जन भाषा कहते हैं। क्लियर है? वैदिक भाषा सबसे पुरानी है और लौकिक भाषा प्रथम जन भाषा है, यानी लोगों ने सबसे पहले लौकिक संस्कृत का उपयोग किया बोलने के लिए। ठीक है, वहीं अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के 24 तीर्थांकर, आपको पता होगा जैन धर्म के कितने वे, जैन धर्म के 24 तीर्थांकर रहे हैं। वो सभी 24 तीर्थांकर जो है वो प्राकृत भाषा का उपयोग किए हैं, प्राकृत भाषा का। और बौद्ध धर्म के जो उपदेश है, जो कि गौतम बुद्ध ने दिए हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। तो एग्जाम में हो सकता है किसी भी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे वैदिक संस्कृत या फिर वैदिक भाषा। प्रथम जन भाषा कौन सी है, या फिर लोगों के द्वारा सबसे पहले किस भाषा का उपयोग किया गया, तो लौकिक संस्कृत, आप बहुत ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैन धर्म की भाषा कौन सी रही है, तो जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा। बौद्ध धर्म के समय किस भाषा का उपयोग किया गया, या फिर महात्मा बुद्ध के द्वारा कौन सी भाषा में उपदेश दिया गया, तो पाली भाषा। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ पे दिए, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, नेपाल में, पता होगा। ठीक है, तो आसानी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते थे, ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत या फिर वैदिक भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हिंदी की कितनी उपभाषा है, बताएंगे हिंदी की उपभाषाएं जो है वो कितनी है, बताएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे कि हिंदी की उपभाषाएं जो है वो कितनी है। बिल्कुल सही इस आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 5। हिंदी की 5 जो है वो उपभाषाएं हैं, 5। अच्छा, कौन कौन है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, याद रहेगा सभी को। चलिए देखिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये तो याद हो गया, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी, तीनों याद हो गया, पूर्वी पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद बिहारी और राजस्थानी,
बिहारी, राजस्थानी। देखिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, तीनों तो याद रहेंगे, बिहारी और राजस्थानी। पांच, हिंदी की कितनी उपभाषाएं? पांच। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए, अब उपन्यास के बारे में भी क्वेश्चन आ गया है, और आप लोग अगर सिलेबस देखेंगे हिंदी का तो आपको कई सारे उपन्यास पढ़ने हैं, उनमें से एक उपन्यास है गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास की बात करेंगे, इसके लेखक हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जो है वो गोदान उपन्यास के लेखक है। अच्छा, गोदान उपन्यास को 1936 में लिखा गया था और 1936 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है? गोदान उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा 1936 में प्रकाशित किया गया था। और बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद जी का आखिरी उपन्यास है, ये अंतिम उपन्यास है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो ये जो आप गोदान उपन्यास देख रहे हैं, ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर? चलिए आइए, गोदान उपन्यास में होरी के पुत्र का नाम क्या रहता है? अच्छा, गोदान उपन्यास की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मुख्य पात्र के रूप में होरी होते हैं, होरी जो कि एक किसान होते हैं, और उन्हीं के जीवन के बारे में बताई गई है। अच्छा, गोदान उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है? एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि गोदान उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है, तो कृषक की जीवन या फिर किसान का जीवन गोदान उपन्यास का केंद्र बिंदु है, कि किसान को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बारिश कम हुई तो भी किसान की दिक्कत, अगर बारिश ज्यादा हुई तो भी किसान की दिक्कत, अगर धूप कम दिया तो भी किसान को दिक्कत, धूप ज्यादा दिया तो भी किसान को दिक्कत। किसान इतनी मेहनत करने के बाद एक फसल को उगाता है, और उस फसल को अगर बात करें हम लोग जमींदार की, अगर बात करें हम लोग ऋणदार की, रैयत की, तो वो सभी बैठे बैठे ले लेते हैं। और इसी चीज को इस गोदान उपन्यास में बताया गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इसमें मुख्य पात्र होते हैं होरी, और होरी का एक बेटा और दो बेटी होती है। होरी की बात करेंगे, होरी का एक बेटा होता है और दो बेटी होती है। होरी के बेटे का नाम क्या है? होरी के बेटे का नाम है गोबर। क्या नाम है? गोबर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि गोदान उपन्यास में जो होरी है उसके बेटे का नाम क्या है? गोबर जो है उसके बेटे का नाम है, ठीक है? चलिए आगे बात करें, गोदान उपन्यास को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? अभी हम लोग बात किए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा। और आपको यह भी बताया गया कि गोदान उपन्यास जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का आखिरी उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी का ये अंतिम उपन्यास है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1936 में। कब? 1936 में। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से किस महाकवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? बताएंगे, हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? कौन से कवि को हिंदी का जातीय कवि जो है वो कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देंगे इसको, ठीक है? हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? अगर हम लोग हिंदी के जातीय कवि की बात करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, तुलसीदास को। किसे? तुलसीदास को। अच्छा, तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, आपको पता होगा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही रामायण की रचना की गई थी, तो महर्षि वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है? तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, और हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? तुलसीदास को कहते हैं। तुलसीदास के जन्म की बात करेंगे, 11 अगस्त 1511 में इनका जन्म हुआ, 30 जुलाई 1623 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है? तो
1511 में इनका जन्म हुआ, 1623 में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी के जातीय कवि ये माने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है रामचरितमानस। आप लोगों ने, हो सकता है कि आप में से कोई पढ़ा हो, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा ही की गई थी। और आज के टाइम पे हम लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ठीक है, तो उसी हनुमान चालीसा की जो रचना है वो तुलसीदास जी के द्वारा ही किया गया था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए रामचरितमानस की रचना तुलसीदास, हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आइए। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है बताएंगे। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो किस भाषा से हुआ है, क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम लोग अपभ्रंश भाषा की बात करेंगे तो अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो प्राकृत भाषा से हुआ है। आप बोलेंगे सर कैसे, देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहले संस्कृत था, आपको पता होगा क्या था, संस्कृत था। और संस्कृत की दो भाषाएं थी, या फिर संस्कृत को दो भागों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। संस्कृत के बाद संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, संस्कृत से ही पाली भाषा का विकास हुआ। अगर एग्जाम में पूछे कि पाली भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है तो संस्कृत भाषा से पाली भाषा का विकास हुआ, ठीक है। पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। प्राकृत भाषा की बात करेंगे तो प्राकृत भाषा का विकास पाली भाषा से हुआ है, और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है, अपभ्रंश भाषा से अवहट भाषा का विकास हुआ है, और अवहट के बाद हिंदी भाषा का विकास जो है वो हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो पाली प्राकृत भाषा से हुआ है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए क्लास को एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग, आइए आगे बात करते हैं। लोगों के द्वारा सबसे पहले किस भाषा का उपयोग किया गया, यानी मोटे मोटे तौर पर क्वेश्चन को घुमाया गया है लेकिन पूछा आपसे गया, पहले गया है कि प्रथम जन भाषा कौन सी है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है और प्रथम जन भाषा कौन सी है, यानी लोगों के द्वारा किस भाषा का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। तो आप बिल्कुल आसानी से इसका सही आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि सर ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी भाषा, लौकिक संस्कृत प्रथम जन भाषा, या फिर लोगों के द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली भाषा लौकिक संस्कृत, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ध्रुव स्वामिनी रचना जो है वो किसकी है बताएंगे। ध्रुव स्वामिनी, और आप में से कोई ऐसा है जो कि ध्रुव स्वामिनी पढ़ा हो, नाटक है, ठीक है, हिंदी का एक प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी, और बताएंगे ध्रुव स्वामिनी रचना जो है वो किनकी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी की, तो ये किनकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ये आप देख सकते हैं ध्रुव स्वामिनी, और ये जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्लियर है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है बताएंगे। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, और अगर आप बेरोजगार हैं और आपकी पत्नी, आपको ऐसा सीन चाहिए कि जो पुरुष है वो बेरोजगार है, उसकी पत्नी काम करती है,
और उसकी पत्नी काम करने के बाद पुरुष का क्या हाल होता है, ये आपको अगर जानना है तो आप इस नाटक को पढ़ सकते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आप लगेगा आपको जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। और आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है, तो आधे अधूरे नाटक ये आप देख सकते हैं, और इसके लेखक का नाम क्या है, मोहन राकेश जो है वो इसके लेखक हैं। क्लियर है, क्लियर। चलिए, मेलाचल उपन्यास किस राज्य की कहानी है। मेलाचल उपन्यास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मेरीगंज गांव के बारे में पढ़ना होगा, और मेलाचल उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है, डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा करते हैं, और डॉक्टर प्रशांत जब डॉक्टर की पढ़ाई पूरा कर लेते हैं तो उन्हें कई सारे ऐसे अवसर मिलते हैं विदेश जाने के, कि विदेश जाकर वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में डॉक्टरी कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब मैंने पढ़ाई पटना से की है, जब मैंने पढ़ाई बिहार से की है, तो क्यों ना यहीं के लोगों की सेवा की जाए। तो जब उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा किया, उसके बाद मेरीगंज नाम का एक गांव में जाकर एक छोटा सा क्लिनिक खोला और वहां पे जाके लोगों की सेवाएं करने लगी। लोग डॉक्टर प्रशांत को बेवकूफ कहते थे, लोग सोचते थे या फिर लोग कहते थे कि जब किसी को विदेश जाने का मौका मिला तो वो आके एक गांव में बस गया, इससे बड़ा महामूर्ख जो है वो दुनिया में कोई नहीं है। और इस प्रकार की ये उपन्यास है मेला आंचल, और इसमें किस राज्य की कहानी, तो अभी आपको बताया गया बिहार की कहानी जो है वो बताई गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार। मेरीगंज गांव कहां पे है, बिहार में ये है। और डॉक्टर प्रशांत की अगर बात करें तो डॉक्टर प्रशांत जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा किए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत ने किस मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा किया है, पटना मेडिकल कॉलेज। मेला आंचल उपन्यास आप लोग देख सकते हैं, इसके लेखक की अगर बात करें फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं, यानी मेला आंचल के रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो मेला आंचल के रचनाकार हैं, और आप फणीश्वर नाथ रेणु को भी तस्वीर में देख पा रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं बताएंगे, आधुनिक मीरा के नाम से किस लेखक को जाना जाता है या फिर किस लेखिका को आधुनिक मीरा कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो ये एक मेल है, पुरुष है। प्रेमचंद ये भी पुरुष है, और विद्यापति ये भी पुरुष है, लेकिन मीरा, मीरा तो किसी महिला को ही कहा जाएगा, महादेवी वर्मा यहां पे एक महिला है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को। चलिए आगे बात करते हैं, यह है महादेवी वर्मा, और इन्हें जो है वो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बुद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए कि बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए, या फिर महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए वो कौन सी भाषा में दिए गए हैं। तो बौद्ध धर्म के उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा किस भाषा में, तो सही आंसर होगा पाली भाषा में। हम लोगों ने देखा कि संस्कृत के दो भाग हैं, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। पाली भाषा का उपयोग बौद्ध धर्म में, और प्राकृत भाषा की अगर बात करें ऑप्शन सी में जो आप देख रहे हैं प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का उपयोग जो है वो जैन धर्म के समय किया गया था। जैन धर्म के समय प्राकृत भाषा, बुद्ध धर्म के समय या फिर बौद्ध धर्म के समय पाली भाषा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञा के बारे में, और अगर आप लोगों ने संज्ञा नहीं पढ़ा है तो
हमने संज्ञा कंप्लीट किया है। संज्ञा के बारे में मेरे द्वारा आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से बताई गई है, ठीक है। तो एक बार आप लोग जाके संज्ञा को देख लें अगर आप लोगों ने संज्ञा के बारे में नहीं पढ़ा है। चलिए थोड़ा और डिस्कस करते हैं। संज्ञा क्या है? दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। दुनिया का, विश्व का कोई भी नाम उठाइए आप, कलम, घड़ी, चेयर, राम, मोहन, रितेश, राकेश, कोई भी नाम, दुनिया में जो भी नाम है वो सभी संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के टोटल जो है वो पांच भेद हैं, ठीक है। यहां पे डेफिनेशन अगर देखें तो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप मत समझिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, हेला फलाना ढिमका, ये सब नहीं समझना है कि फलाना किसे कहते हैं, ढिमका किसे कहते हैं। नहीं, संज्ञा क्या है भाई? दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है, चाहे कोई भी नाम हो, पानी से लेकर रानी तक संज्ञा है। हमें समझना इतना है, दुनिया में कोई भी नाम संज्ञा है, कोई भी नाम। अच्छा, संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के पांच भेद हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। अच्छा, पांचों भेद को अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जाए, जैसे आप बोलेंगे एक नाम, दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है, आपने एक नाम लिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोलकाता, रांची, दिल्ली, पटना, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, चाइना, तो ये सब जब आप नाम लिए तो आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पता चले। MS धोनी जब हम नाम लिए तो आपको पता है, हाँ, वही ना जो क्रिकेट खेलता है, रोनाल्डो वही ना जो फुटबॉल खेलता है, कोलकाता, अच्छा वही ना जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है मुंबई, अरे वही ना जो महाराष्ट्र की कैपिटल है। तो हमने जब नाम लिया, आपने जब नाम सुना, तो आपको एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या फिर पर्टिकुलर स्थान के बारे में पता चला, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब कोई पर्टिकुलर चीज का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जो एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक पूरे जाति को, जैसे जैसे गाय, गाय क्या है? एक नाम है, लेकिन हम लोग जब भी बोलते हैं गाय के चार पैर होते हैं, क्या बोलते हैं? कि गाय के चार पैर होते हैं, तो पूरी जो गाय जाति है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गाय के चार पैर झारखंड में होते हैं और बिहार में पांच हो जाते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि भारत में गाय के चार पैर होते हैं और अमेरिका में गाय के दो पैर होते हैं, ऐसा नहीं है। जब हमने कहा कि गाय के चार पैर होते हैं तो पूरे विश्व में गाय के चार ही पैर होते हैं। अगर मैंने कहा कि गाय के चार पैर होते हैं तो पूरे विश्व में गाय के चार पैर होते हैं। अगर मैंने कहा मोहन अंधा है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में जितने भी मोहन है वो अंधा है। मोहन व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। मोहन अंधा है, यानी मैं जिस मोहन की बात कर रहा हूं वो अंधा है, पूरे विश्व में जितने भी मोहन है वो अंधा नहीं है। लेकिन जब कहे कि गाय की एक पूंछ होती है, तो पूरे विश्व में जितने भी गाय है उसकी पूंछ होगी। तो जातिवाचक क्या है? जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे शेर मांस खाता है, अब ऐसा नहीं है कि भारत के शेर मांस खाते हैं और जापान के शेर घास खाते हैं, ऐसा तो है नहीं। शेर मांस खाता है तो शेर एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है और जितने भी शेर हैं वो मांस ही खाएंगे, ठीक है। तो जो कोई नाम किसी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है जातिवाचक। भाव, भावनाएं, भावनाएं, फीलिंग्स, फीलिंग्स, गुस्सा, भाववाचक। गुस्सा क्या है? एक नाम है, गुस्सा हो गए, मेरी फीलिंग्स है, आपको गुस्सा दिख रहा है क्या? ऐसा कोई चीज, भाववाचक में आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से, ऐसी कोई चीज जो आपको दिखाई नहीं दे रही है वो भाववाचक में आएगा। ठंडा लग रहा है, ठंडा दिखाई दे रहा है क्या? कितना केजी ठंडा लग रहा है? 4 केजी, 5 केजी, दिखाई नहीं दे रहा है। हमें गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, मुझे
गुस्सा आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है, कितना 5 किलो खुशी हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हम देख ही नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, ये देखो, ये जो खुशी का शेप है ये गोल है, ऐसा है क्या? नहीं है। ठीक है, समूह, जो एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे पुलिस, पुलिस का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जैसे स्टूडेंट्स, उनका भी एक ग्रुप होता है, जैसे टीचर्स, उनका आज के टाइम पे सबू का समूह होता है, अगर कोई बस ड्राइवर है तो उनका भी अपना एक ग्रुप है, अगर कोई ऑटो ड्राइवर है तो उनका भी एक अपना ग्रुप है। तो समूह, ये एक समूह को बोल रहा है। ठीक है, द्रव, लिक्विड, ठीक है, जिसे हम लोग द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पानी, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, एल्युमिनियम, हम लोग इसको भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड को, गोल्ड को हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड को गर्म करेंगे तो पिघलेगा, एल्युमिनियम को गर्म करेंगे तो पिघलेगा। तो लिक्विड, बात लिक्विड फॉर्म की जब बात करें वो द्रववाचक में। आई होप कि आपको संज्ञा के पांचों भेद आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद हैं, और दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। चलिए, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, बताएंगे। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है वो कौन सा है? तो हम लोग बात करेंगे अवधी भाषा की। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? सही आंसर होगा रामचरितमानस। आप सभी ने रामचरितमानस पढ़ा तो नहीं होगा सभी ने, लेकिन आप में से बहुत कोई हैं जो कि रामचरितमानस पढ़े होंगे, लेकिन नाम तो सभी ने सुना होगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, रामचरितमानस। ठीक है, और ये अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। ठीक है, देख सकते हैं रामचरितमानस। ठीक है, देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है तुलसीदास रचित। ठीक है, तुलसीदास रचित, चलिए तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं, बताएंगे। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? अगर हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक एक वचन, दूसरा बहुवचन। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 वचन। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? 2 वचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? जब कोई एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं, या फिर जब कोई एक चीज के बारे में बात की जाती है तो उसे कहते हैं एक वचन। जैसे गाय, एक गाय। जैसे हिरन, एक हिरन। जैसे महिला, एक महिला। जैसे पुरुष, एक पुरुष। इसी को अगर हम लोग बहुवचन में बोलेंगे तो जब एक से ज्यादा चीजों की बात करें उसे बहुवचन। जैसे महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं। पुरुषें, ठीक है, बहुत सारे पुरुष। अगर बात करें गायें, बहुत सारे गाय। ठीक है, तो इस तरीके से एक वचन और बहुवचन, दो ही हिंदी भाषा में वचन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। निम्न में से कुमार रामगुप्त किस नाटक के पात्र हैं? कुमार रामगुप्त जो है वो कौन से नाटक के पात्र हैं? क्या होगा इसका सही आंसर, बताएंगे। अगर हम लोग बात करें कुमार रामगुप्त की, तो अगर आपने क्या ध्रुव स्वामिनी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की, अगर आपने ध्रुव स्वामिनी पढ़ा होगा या फिर ध्रुव स्वामिनी के बारे में आपको जानकारी होगी, तो आपको पता होगा कि ध्रुव स्वामिनी में जो कुमार रामगुप्त है वो एक पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुमार रामगुप्त जो है वो एक पात्र हैं। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी में आपको ध्रुव स्वामिनी पात्र देखने को मिलेगा, कुमार रामगुप्त मिलेगा, कुमार चंद्रगुप्त देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अमात्य देखने को मिलेंगे, अमात्य जो है वो महामंत्री होते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसमें कुमार रामगुप्त आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध उपन्यास ठाकुर का कुआं को कब
प्रकाशित किया गया था, ठाकुर का कुआं। अगर आपको छुआछूत जातिवाद के बारे में पढ़ना है कि जाति में भेदभाव छुआछूत, तो आप पढ़िए ठाकुर का कुआं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास है ठाकुर का कुआं, और इसे कब प्रकाशित किया गया था। ठाकुर का कुआं जो है, आइए जानते हैं क्या है। देखिए ठाकुर का कुआं जो है वो एक ठाकुर का कुआं होता है और एक सरकारी कुआं होता है। ठाकुर जो है एक जमींदार होता है, ऊंची जाति का व्यक्ति होता है, उसके पास अपना एक कुआं होता है। ठाकुर रईस आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, उसके पास भरपूर पैसे होते हैं, और एक सरकारी कुआं होता है। और आप सभी को पता होगा कि सरकारी जो चीज होती है उसकी हालत कैसी होती है, चाहे हम लोग सरकारी स्कूल की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, चाहे सरकारी ऑफिस की बात करें, सरकारी तालाब की बात करें, जो भी सरकारी चीज है उसकी क्या हालत होती है आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये जो सरकारी कुआं है इसका पानी जो है वो एकदम गंदा हो गया है, पानी से बदबू आता है, पानी में कीड़े मकोड़े चलते हैं। और वही जो ठाकुर का कुआं है वो एकदम चकाचक कुआं है, एकदम मीठा पानी, साफ सुथरा पानी, और लोग पानी को पीकर बोलते आहा क्या पानी है, लेकिन वो ठाकुर का कुआं में। लेकिन इसमें एक नीची जाति का परिवार होता है, झोंकू। नीची जाति के परिवार को ठाकुर का कुआं से पानी लेने का अलाउ नहीं था, कि अगर आप नीची जाति के हैं तो आप उस बदबूदार पानी को पीजिए या फिर आप प्यास से मर जाइए, लेकिन ठाकुर का कुआं में आप पानी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस कुएं का इस्तेमाल ऊंची जाति के लोग करते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें ठाकुर का कुआं कहानी में दिया हुआ है। और इसे कब प्रकाशित किया गया था, इसे 1932 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1932 में ये आप देख सकते हैं ठाकुर का कुआं, और मुंशी प्रेमचंद जी का ये प्रसिद्ध उपन्यास है, और इसे कब प्रकाशित किया गया था, 1932 में, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं उपन्यास नीलम देश की राजकन्या में राजकुमारी के कितने महल के बारे में बताया गया। तो जब आप नीलम देश की राजकुमारी के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक उपन्यास है और आपके सिलेबस में भी है, तो आपको राजकुमारी के तीन राजमहल के बारे में पढ़ना है। कितने, तीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप नीलम देश की राजकुमारी देख सकते हैं, या फिर नीलम देश की राजकन्या, और जैनेन्द्र कुमार इसके रचनाकार हैं। इसकी रचना जैनेन्द्र कुमार के द्वारा की गई थी, या फिर इसके लेखक की बात करें जैनेन्द्र कुमार। नीलम देश की राजकन्या में देखिए 1933 में प्रकाशित किया गया था तीन महल, हीरा का महल, पन्ना का महल और पुखराज का महल। तीन महल के बारे में बात की गई है, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या में तीन महल के बारे में बात की गई है, एक हो गया हीरे का महल, दूसरा हो गया पन्ना का महल, तीसरा हो गया पुखराज का महल, ठीक है। चलिए, भारत दुर्दशा नाटक को किस वर्ष प्रकाशित किया गया है बताएंगे। भारत दुर्दशा जो नाटक है उसे किस वर्ष प्रकाशित किया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1875 में। कब? 1875 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत दुर्दशा की बात करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये नाटक है। और आप अगर आपसे लेखक का नाम पूछा जाए, भारत भारत दोनों में आ रहा है, लेखक का नाम भी भारत और नाटक का नाम भी भारत, तो भारत दुर्दशा भरतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। और प्रकाशित वर्ष की अगर बात करें 1875, क्लियर। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भरतेंदु हरिश्चंद्र, भारत भारत, ठीक है। चलिए, भारत दुर्दशा में कितने अंक है, जब आप भारत दुर्दशा को पढ़ेंगे, देखिए अंक मतलब वो नहीं, मार्क्स नहीं जो एग्जाम में आएंगे, वो मार्क्स नहीं, भारत दुर्दशा जो उपन्यास है इसे 6 अंकों में डिवाइड किया गया है। आप भारत दुर्दशा को तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आप 6 अंक पढ़ेंगे, अंक 1, अंक 2, अंक 3, अंक 4, अंक 5, अंक 6। तो 6 अंकों में, 6 पाठ में आपको ये भारत दुर्दशा पढ़ना पड़ेगा। 6 पाठ में डिवाइड किया गया है और हर एक पाठ को अंक कहा गया है। तो भारत दुर्दशा में कितने अंक है, ऑप्शन में 6 कहां पे है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 अंकों में, ठीक है। भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं,
या फिर भारत दुर्दशा को कितने अंकों में डिवाइड किया गया है? 6 अंकों में। ठीक है, आइए, किसी देश के सभी लोग अगर किसी भाषा का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? किसी देश के सभी लोग अगर किसी भाषा का उपयोग करते हैं तो उस भाषा को क्या कहते हैं? अभी बात की क्या होगा, किसी देश के सभी लोग अगर एक भाषा का उपयोग करते हैं उस भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज भारत में है? नहीं है, क्योंकि भारत के लोग एक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। तो सभी लोग अगर किसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो उसे कहते हैं उस देश की राष्ट्रभाषा। ठीक है, चलिए आइए, महादेवी वर्मा, किसके द्वारा महादेवी वर्मा को हिंदी का विशाल मंदिर या फिर हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा गया है? बताएंगे, महादेवी वर्मा को, अच्छा महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे, याद रखिएगा, आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। साथ ही साथ हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती इन्हें किनके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहते हैं और महादेवी वर्मा को सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा क्या कहा गया है? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये आप महादेवी वर्मा को एक तरफ देख पा रहे हैं, एक तरफ आप लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देख पा रहे हैं, क्लियर है। चलिए आइए, कवि प्रेमचंद जी के द्वारा गोदान उपन्यास में किसकी समस्या के बारे में बताया गया? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए कि गांव की समस्या नहीं, मजदूरों की समस्या नहीं, गरीब लोगों की समस्या नहीं, कृषक की समस्या, किसान की समस्या। ठीक है, तो गोदान उपन्यास में किसकी समस्या के बारे में बात की गई है? किसान की समस्या के बारे में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, नहीं बी नहीं सी ना, सी, किसान की समस्या, कृषक की समस्या। ठीक है, कहानी ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त अपनी धर्मपत्नी को किसके हाथ सौंप देता है? अच्छा, रामगुप्त के बारे में अभी हम लोग पढ़े और रामगुप्त की पत्नी कौन है? ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की ही पत्नी है। अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि कहानी ध्रुव स्वामिनी में या फिर नाटक ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या है, ध्रुव स्वामिनी जो है वो रामगुप्त की ही पत्नी होती है और रामगुप्त जो है वो युद्ध के डर से, देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है सकराज, क्या नाम है? सकराज। सकराज रामगुप्त को कहता है कि देख भाई रामगुप्त, रामगुप्त बोलता है हाँ बोल भाई, बोलता है देख भाई मुझे जो है वो तुम्हारी पत्नी पसंद है। सकराज कहता है, सकराज क्या कहता है कि रामगुप्त देख भाई मुझे जो है वो तुम्हारी पत्नी पसंद है, तो एक काम करो अगर तुम अपने पत्नी को मुझे दे देते हो तो तुम बच जाओगे, वरना मैं युद्ध करूंगा, तुमको मृत्यु दे दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद तुम्हारे पत्नी को उठा के लेके आऊंगा। समझ गए आप, सकराज ऐसा कहता है रामगुप्त को। रामगुप्त सोचता है, रामगुप्त थोड़ा डरपोक होता है, ठीक है, रामगुप्त जो है वो थोड़ा डरपोक होता है। रामगुप्त सोचता है साला हम तो उससे युद्ध कर नहीं सकेंगे और अगर युद्ध करेंगे तो वो मुझे मार देगा, मेरे मारने के बाद मेरे पत्नी को तो लेके जाएगा ही, तो साला हम मर के पत्नी को लेके क्यों जाए भाई, हम पहुंचा दे रहे, रुक भाई मारने वारने की कोई जरूरत नहीं, काहे तुम युद्ध युद्ध कर रहा है, तुमको मेरी पत्नी चाहिए ना, अरे जान है तो जहान है, जीवित रहेंगे जिंदा रहेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, तीसरी भी कर लेंगे, चौथी भी कर लेंगे, भाई ले जा मेरी पत्नी को ले जा, ऐसा कहता है रामगुप्त। और रामगुप्त जो है सकराज को अपनी पत्नी दे देता है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त अपनी धर्मपत्नी को किसके हाथ सौंप देता है?
शकराज की, क्योंकि रामगुप्त में उतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो युद्ध कर पाए। और रामगुप्त सोचता है कि भाई जान है तो जहान है, पत्नी को दे देते हैं, दूसरा शादी कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे, अरे 5-6 शादियां कर लेंगे, अगर ज्यादा जरूरत पड़ गई तो 50-100 कर लेंगे, लेकिन भाई इसको भी विदा कर, ले जा भाई तू ले जा, ऐसे बोलता है ले जा। तो सकराज को ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है बताएंगे, मित्रता जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। अभी हम लोग संज्ञा के बारे में बात किए हैं, पांचों भेदों के बारे में, मित्रता क्या है? एक फीलिंग है, एक भावना है, एक भावना है ना कि भाई वो मेरा दोस्त है और भाई ये मेरा दुश्मन है। तो मित्रता क्या है? एक फीलिंग है। मित्रता दिखती है क्या? देख भाई ये मित्रता है, ये दिख रहा है, ये स्क्वायर शेप का है, ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। मित्रता एक फीलिंग है, एक भावना है, और ये भाववाचक संज्ञा है। जब भी कोई फीलिंग आपको क्या बताया गया, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई नाम जो आपको दिखे नहीं, वो भाववाचक। मित्रता दिखती नहीं है, हमारे अंदर भावना है, तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। क्लियर? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था बताएंगे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में किया गया था, या फिर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, कब, किस वर्ष, तो कहां पे किया गया था और किस वर्ष किया गया था, यह भी आपको कमेंट करके बताना है, बताएंगे। इसके सही आंसर की बात करें अगर हम लोग, नागपुर, क्या होगा, नागपुर। देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि नागपुर में कब, 10 से 12 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, आप देख पा रहे हैं 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में। वही बात करेंगे सेकेंड विश्व हिंदी सम्मेलन, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो 28 से 30 अगस्त 1976 तक, कहां पे, पोर्ट लुई जो कि मॉरिशस में है, ठीक है। बात करेंगे थर्ड विश्व हिंदी सम्मेलन की, तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन की, 28 से 30 अक्टूबर को, कब, 1983 में, कहां पे, नई दिल्ली में, ठीक है। तो प्रथम सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, प्रथम दूसरा और तीसरा, तीनों विश्व हिंदी सम्मेलन को आप लोग याद रखें, क्लियर। अच्छा 2018 की बात करेंगे अगर, तो 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पे, मॉरिशस में किया गया था, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, तो सही आंसर होगा नागपुर, और दूसरा क्या होगा, 1975, क्या होगा, 1975, तो नागपुर में 1975 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है बताएंगे, विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है, क्या होगा, विश्व हिंदी सचिवालय की अगर हम लोग बात करें तो ये मॉरिशस में है, कहां पे है, मॉरिशस में, ऑप्शन डी। ये आप देखेंगे विश्व हिंदी सचिवालय, ठीक है, यानी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरिएट, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरिएट, और कहां पे है, मॉरिशस में, कहां पे, मॉरिशस में, ठीक है। आइए राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान, नेशनल कबीर अवार्ड कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है बताएंगे, किसी को पता है? चलिए मान के चलते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है, और जो भी चीजें आप लोगों को पता नहीं है वो यहाँ पे सीख लीजिए, क्योंकि ये सीखने का टाइम है, ये सीखने के लिए ही ये क्लास हो रही है, लेकिन एग्जाम में आपको सीखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप सीखेंगे, आप गलती करेंगे, लेकिन एग्जाम में ना ही सीखने को मिलेगा ना ही गलती की कोई गुंजाइश होगी, आप गलती किए आप पीछे आ जाएंगे,
तो नेशनल कबीर अवार्ड, राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन में मध्य प्रदेश ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान यानी नेशनल कबीर अवार्ड जो है वो दिया जाता है। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड किस शहर में प्रकाशित किया गया था? देखिए, यहां से एक चीज तो आपको समझ में आ गई है कि हिंदी भाषा का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था। हिंदी लैंग्वेज का सबसे पहला न्यूज़पेपर उत्तंड मार्तंड, ठीक है, उत्तंड मार्तंड ये हिंदी लैंग्वेज का पहला न्यूज़पेपर था, उत्तंड मार्तंड। और ये कहां से प्रकाशित किया गया था? कोलकाता से। कहां से? कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए, हिंदी भाषा का सबसे पहला न्यूज़पेपर उत्तंड मर्तंड कहां से? कोलकाता से। कब? 1826 में, 30 मई 1826 में। चीजें याद रखिए, हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर उत्तंड मर्तंड कहां से? कोलकाता से। कब? 1886 में, सॉरी 1826 में, ठीक है, 1826 में, ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा, अगर पूछा जाए किसके द्वारा हिंदी भाषा का प्रथम, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। 1826 में ये शुरू हुआ और आप देख सकते हैं 1827 में आर्थिक तंगी के कारण ये अखबार या फिर ये न्यूज़पेपर जो है वो बंद हो गया। ठीक है, देख सकते हैं 1826 में ये शुरू हुआ लेकिन 1827 में ये बंद हो गया। और बंद होने का कारण क्या रहा? बंद होने का कारण रहा कि आर्थिक तंगी, उसको चलाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे तो सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं थे कि न्यूज़पेपर से अच्छा खासा इनकम होगा, और न्यूज़पेपर को चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो आर्थिक तंगी के कारण हिंदी का प्रथम न्यूज़पेपर जो है वो बंद हो गया। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र किस कारण से बंद हुआ? आर्थिक तंगी के कारण। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। कब किया गया था? 30 मई 1826 को। बंद कब हुआ? 1827 को। कहां से शुरू की गई थी? कोलकाता से। ठीक है, क्लियर? आइए, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या है बताएंगे। दांत पीसना, दांत पीसना क्या होगा? बहुत आसान सा है। अत्यधिक गुस्सा होना, इस बार तो मैं एग्जाम क्रैक करके ही छोड़ूंगा, ऐसे होते हैं ना जब घर वाले हमें कुछ कह देते हैं, क्या रे क्या करेगा तुम, तुमसे तो एग्जाम ही क्रैक नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई छोड़ दो, कोई काम कर लो, अब एज हो रहा है तुम्हारा। दो चार बातें सुनने को मिलती है आप लोगों को भी, ठीक है, कि अब तो एज भी हो रहा है, कोई एग्जाम भी क्रैक करने नहीं पा सक रहा है, पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, अब पढ़ाई करना छोड़ दो, कोई दूसरा काम ढूंढ लो। तो हम लोग क्या करते हैं गुस्से में, बहुत हो गया, बहुत बातें सुन ली हैं, अब जो है एग्जाम क्रैक करके दिखाएंगे। तो दांत पीसना, बहुत गुस्सा होना, अत्यधिक गुस्सा होना, ऑप्शन बी। अपने आप से रिलेट कीजिए, अपने आप से रिलेट करेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी सोचिए कि आपका पर्स, आपके पास पर्स है, हम लोग जनरली पर्स रखते हैं, ठीक है, लड़कियां भी पर्स रखती हैं और लड़के भी पर्स रखते हैं, लेकिन लड़कियों का पर्स जो है दिखाने के लिए होता है बस। आप किसी लड़की के साथ अगर जाएंगे ना तो उसके पास भी पर्स होगा, आपके पास भी पर्स होगा जनरली, ठीक है, और उसका पर्स केवल दिखाने के लिए है, पैसे नहीं निकलेंगे। कहीं खाएंगे तो भी आपको पे करना है, कोई सामान लेंगे तो भी आपको पे करना है, अगर ऑटो से जाएंगे तो अभी आपको पे करना है ऑटो का भाड़ा, ठीक है, तो हर जगह से आपको इधर से निकाल के पे करना है, यहां से नहीं निकलेगा, ये बस टांगा हुआ है शो के लिए, ऐसे जाएंगे बस, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या मतलब है?
अगर आपका पर्स खो गया, किसी अंधे व्यक्ति को मिला, तो उसको क्या ही पता चलेगा कि पर्स में क्या है नहीं है। तो अयोग्य को मूल्यवान वस्तु मिलना इसका मतलब होता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए, अयोग्यवान को, अयोग जो है जिसको पता नहीं है उसको एक मूल्यवान, यानी अंधे को अगर हीरा मिल जाए तो उसको क्या ही पता चलेगा कि ये हीरा है या क्या है। अगर अंधे को 500 का नोट मिल गया तो उसे क्या ही पता चलेगा कि ये 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है या 500 का नोट है। तो किसी अयोग्य आदमी को कोई जब मूल्यवान वस्तु मिल जाती है तो उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, चलिए, दिए गए शब्द का सदैव बहुवचन में उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है वो शब्द हमेशा बहुवचन में ही उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया कि हिंदी में वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया एक वचन, दूसरा हो गया बहुवचन। एक वचन जिसमें हम लोग एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, और बहुवचन जिसमें एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात होती है। अगर मक्खी की बात करें, मक्खी, तो मक्खी एक वचन है, और मक्खियां, कई सारे मक्खियां, ये हो गया बहुवचन। तो मक्खी इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, चप्पल की बात करें तो एक चप्पल, चप्पलें, चप्पलें, तो बहुत सारे चप्पलें, ठीक है, तो चप्पलें भी नहीं होंगे। फूल, ठीक है, फूल भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक फूल और कई सारे को, फूलों को क्या कहते हैं, बहुत सारे फूले हैं। ठीक है, तो जब कोई एक फूल है उसे कहते हैं फूल। ठीक है, तो दर्शन, अब देखिए, दर्शन जो है वो बहुवचन शब्द है। अगर आप एक भगवान का दर्शन करते हैं तो भी आप यही कहेंगे कि हमने एक भगवान का दर्शन किया। अगर आप 10 भगवान के दर्शन करते हैं तो भी आप कहेंगे कि हमने 10 भगवान के दर्शन किए। दर्शन जो शब्द है वो बहुवचन है। जैसे अगर हम लोग, ठीक है, तो ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह कल दिल्ली गया, काल निर्धारण करिए, बताइए वो कल दिल्ली गया कौन सा काल है। अगर हम लोग काल की बात करें तो आप सभी को, चलिए पेन को रखते हैं, आप सभी को पता होगा कि काल जो है वो तीन प्रकार के ही होते हैं। एक तो हो गया भूतकाल, दूसरा हो गया वर्तमान काल, और तीसरा हो गया भविष्य काल। भूतकाल उसे कहते हैं जो पार हो चुका है, वर्तमान काल उसे कहते हैं जो चल रहा है, और हम लोग भविष्य काल को उसको कंसीडर करते हैं जो कि आने वाला है, फ्यूचर को। ठीक है, यानी जो पास्ट है वो भूतकाल, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो वर्तमान, और जो फ्यूचर है हमारा वो क्या होगा, तो वर्तमान काल। वह कल दिल्ली गया, यानी वो चला गया, अब तो नहीं जा रहा है, वो तो चला गया। कब गया? कल गया, यानी वो बीत चुका है, वो काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका है उसे हम लोग भूतकाल यानी पास्ट में कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूतकाल। चलिए, अगर इसी का हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर बनाएं तो कैसे बनेगा? जो है कि वो कल दिल्ली गया, इसी को अगर हम लोग प्रेजेंट में कन्वर्ट करें तो वो दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। अगर इसी को हम लोग भविष्य में बनाएं तो क्या होगा? वह कल दिल्ली जाने वाला है, या फिर वह कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, तो वह कल दिल्ली गया, ये भूतकाल पास्ट हो गया, वर्तमान वह दिल्ली जा रहा है, और वह कल दिल्ली जाएगा, ये क्या हो गया? भविष्य। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, थन थन गोपाल का अर्थ क्या है बताएंगे, बहुत ही आसानी से आप आंसर दे पाएंगे कि भाई, ऐसे हम लोगों में होता है ना, जनरली दोस्त आता है कि भाई कुछ पैसे उधार चाहिए थे, भाई भाई मेरे पास तो थन थन गोपाल है, लेगा क्या? मतलब भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद कंगाल हूं, मैं तुम्हारे भरोसे में ही यहाँ पे आया था मोमो खाने के लिए, तू तो मेरे ऊपर ही चढ़ा जा रहा है,
मैं तो तुम्हारे भरोसे ही आया था मोमो खाने के लिए कि तू खिलाएगा, मोमो का बिल भरेगा। तू तो मुझी से पैसे मांग रहा है, मेरे पास तो ठन ठन गोपाल है, यानी खाली हाथ होना, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं है, मेरी जेब जो है वो खाली है, जेब में कुछ भी नहीं है, जो मोमो खाए हैं उसके भी पैसे नहीं है। भाई पैसे चुका दे, वरना यहाँ पे पत्ते साफ करने पड़ेंगे। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, किस कारक का उदाहरण है बताएंगे? मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है? मोहन। कौन पढ़ता है? मोहन। मोहन क्या है? कर्ता है, कर्ता कारक। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? मोहन। मोहन क्या है? कर्ता है। मोहन क्या है? कर्ता है, तो कर्ता कारक। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पढ़ता है, पढ़ता है ये क्या है, ये क्या है, पढ़ता है ये क्या है, ये क्रिया है, क्रिया हो रही है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, तो पढ़ने का। कौन पढ़ रहा है? मोहन। मोहन क्या है? करता है। कौन पढ़ रहा है? मोहन। अच्छा, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, कर्म। ये क्या है? कर्म है, कर्म। पुस्तक क्या है? कर्म है। सोचिए अब चीजों को, आइए आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को, तो स्क्रीन को देखिए और सुनिए। कौन पुस्तक पढ़ता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या है? करता है। क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है, कर्म। अच्छा, क्या करता है मोहन? पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्या होगा? कार्य या फिर क्रिया। कि क्या कर रहा है मोहन? मोहन पढ़ रहा है। पढ़ना क्या हुआ? क्रिया, काम करना। मोहन पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कारक है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन काल कितने वर्ष का था बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जीवन काल है वो कितने वर्ष का था बताएंगे? अगर हम लोग बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन काल की, तो इनका जो जीवन काल है वो महज 35 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 35 वर्ष का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन 35 वर्ष का था। 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ। कब? 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ और 6 जनवरी 1885 में इनकी मृत्यु हुई। तो 1850 में इनका जन्म हुआ, 1885 में इनकी मृत्यु हुई, तो इनके जीवन काल की बात करें 35 वर्ष का था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, क्लियर। इनका वास्तविक नाम जो है वो हरिश्चंद्र है, भारतेंदु इनकी उपाधि है। इनका वास्तविक नाम जो है वो हरिश्चंद्र है और भारतेंदु जो है इनकी उपाधि है। ठीक है, क्लियर। इनके द्वारा हरिश्चंद्र चंद्रिका और बोधिनी पत्रिका का संपादन किया गया। दो पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बोधिनी, दो पत्रिकाओं का संपादन किया गया। ठीक है, किनके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। क्लियर है, आइए आगे बात करते हैं। मिसपाल कहानी में मिसपाल किस विभाग में नौकरी करती थी बताएंगे? मिसपाल जो कहानी है उस कहानी में मिसपाल जो है वो किस विभाग में नौकरी करती थी? और इस मिसपाल जो कहानी है इसमें एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कथन मिसपाल का ही है, मतलब ये मिसपाल कहानी का कथन है। और इसमें मिसपाल जो है वो कहाँ पे? सूचना विभाग में, आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन
सेक्टर में क्या करती है, नौकरी करती थी, नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूचना विभाग में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये जो है नौकरी करती थी। आप देख सकते हैं मिसपाल और मोहन राकेश की ये कहानी है। मिसपाल किसकी रचना है, मिसपाल जो है वो मोहन राकेश की रचना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, आंख का तारा होना क्या होगा, आंख का तारा होना क्या होगा, एक बच्चा उसकी मम्मी के लिए आंख का तारा होता है कि मुन्ना मेरे सो जा। ठीक है, तो आंख का तारा होना क्या होगा, बहुत प्यारा होना, बहुत ही ज्यादा प्यारा होना, उसे कहते हैं तू तो मेरे आंख का तारा है, तू तो मेरा लाडला है। तो आंख का तारा होना बहुत प्यारा होना। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर। आइए, वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, बताएंगे। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब किसी नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं समास। समझिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर नया शब्द बन गया, रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों से जब कोई नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास, और जिसके दोनों पद समान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है उसके दोनों पद समान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद जो है एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं। जैसे अपना पराया, अपना और पराया दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और दोनों प्रधान है। जितना प्रधान है अपना उतना ही प्रधान है पराया। दिन रात, जैसे कहते हैं लोग मैंने दिन रात मेहनत की तब जाके मेरी नौकरी लगी, तो दिन और रात दोनों क्या है, आपस में विपरीत है और दोनों ही प्रधान है। उसने दिन में भी मेहनत की, रात में भी की, ऐसा नहीं है कि दिन में की तो रात में सो रहा था, नहीं, दिन रात मेहनत की, यानी दिन में भी मेहनत किया और रात में भी मेहनत की। दिन रात पढ़ाई की तो दिन में भी पढ़ाई किया था तो रात में भी पढ़ाई की थी। दोनों का पलड़ा भारी है, दोनों पद प्रधान है, तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो है द्वंद्व समास। ठीक है, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर या शब्दों से मिलकर जब कोई नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के भेद तत्पुरुष, कर्मधारय, दीर्घु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्यय भाव। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को। चलिए, राजपुत्र समास का विग्रह क्या है, अभी बात की, जस्ट अभी। राजा का पुत्र, राजपुत्र, रसोई के लिए घर, रसोई घर। ठीक है, राजा का पुत्र, राजपुत्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे राम इधर आओ, राम क्या है, एक नाम है, दुनिया का सभी नाम संज्ञा है, हम लोग इसे कह सकते हैं तुम इधर आओ। तो राम के जगह, राम के स्थान पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया तुम इधर आओ, तो तुम जो है वो क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के जगह अगर कोई शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है,
पुरुषवाचक मैं, तुम, वह, आप, अपने, तो ये सभी जो है वो संज्ञा के, हाँ सॉरी, सर्वनाम के भेद है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और आप आसानी से सभी चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, पुरुषवाचक मैं, तुम, वह, निजवाचक आप, अपने, ठीक है, आपको, तो ये निजवाचक, निश्चय जो फिक्स है, ये क्या है, यह एक कलम है, फिक्स है, इसी की बात कर रहे हैं। यह एक घड़ी है, फिक्स है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो जो फिक्स है, जो निश्चित है, वो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक यानी कुछ तो रात में देखा था, फिक्स नहीं है, क्या देखा था पता नहीं है, अंधेरे में कोई खड़ा था, ऐसे बोलते हैं ना, रात में कुछ देखा था। अच्छा, क्या देखा था, क्या देखा था, अंधेरे में कोई खड़ा था, फिक्स है, कौन खड़ा था नहीं जानते हैं। पानी में कुछ है, पता नहीं है पानी में क्या है, तो जब पता ना हो तो वो होगा अनिश्चयवाचक। संबंध, जब हम लोग संबंध बताएंगे, जो आया था वही राम है, राम कौन है, जो आया था, ठीक है, तो संबंध जब बताते हैं किसी का कि अरे राम कौन है, जो ब्लू कलर का, नीले कलर का शर्ट पहना हुआ था, वो राम है, जो वहां पे खड़ा है वो मोहन है, जो आ रहा है वो सोहन है, जो अभी प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है, जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम हेमंत सोरेन है, तो हेमंत सोरेन का किसका नाम है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो जब हम लोग संबंध बताए तो संबंध वाचक, प्रश्न वाचक, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तो जब हम लोग प्रश्न करें, क्वेश्चन करें, तो प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहां हुआ था, बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है वो कहां हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल में, कहां पे, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। क्लियर है, चलिए आइए, तो आप देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनका जन्म जो है वो 21 फरवरी 1899 में कहां पे, पश्चिम बंगाल में। क्लियर, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961, जीवन काल 62 वर्ष का। क्लियर, आइए, इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, इंदुलेखा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, किनकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, चलिए, अच्छा, हम लोग जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा महादेवी वर्मा को कुछ कहा गया था, अभी हम लोग देखे थोड़ी देर पहले, क्या कहा गया था, तो कहा गया था हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में हिंदी का वर्णन किया गया है, 8वीं अनुसूची, हम लोग पहले ही बात किए थे, क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, ये 22 भाषा आप लोग देख सकते हैं। चलिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, बताएंगे हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के सभी लोग एक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, भारत में राजभाषा है और हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज है, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में हिंदी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी भारत का स्टेट लैंग्वेज है, राजभाषा है। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, बताएंगे हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, बहुत ही सही आंसर होगा इसका, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। क्लियर, क्लियर है,
14 सितंबर 1949, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, मित्र शब्द का पर्याय क्या है। मित्र, मित्र यानी दोस्त, फ्रेंड, मित्र शब्द का पर्याय क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब जो मिलता जुलता है, ठीक है। मित्र का जो मीनिंग होगा वही मीनिंग होगा उसका भी। तो संबंधी, संबंधी का मतलब होगा रिलेटिव्स, नहीं रिलेटिव्स तो दोस्त नहीं होते हैं। पड़ोसी, ना भाई, पड़ोसी को नेबर यानी जो हमारे आसपास रहते हैं वो पड़ोसी होता है। सहयोगी, हेल्पर, नहीं सखा, क्या कहते हैं, सखा। मित्र को सखा कहा जाता है, ठीक है। तो मित्र का पर्याय क्या है, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, सखा। निम्न में से सखा जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चंपत होना। चंपत होना आप लोगों को हिंदी के क्लास में बताया गया था। चंपत होना को हम लोग बस, देखिए कोई बुरा नहीं मानिएगा, बस हम लोग याद करने के लिए कह रहे हैं। आप लोगों को बताया गया था चंपाई होना, चंपाई सोरेन क्या करें, जेएमएम से चले गए। तो चंपाई होना, चंपत होना यानी भाग जाना, चले जाना, ऑप्शन ए। चले जाना, भाग जाना यानी चंपत होना। चंपत होना को हम लोग क्लास में देखे थे चंपाई होना से, चंपाई होरेन जेएमएम से चले गए। तो चले जाना या फिर भाग जाना को क्या कहते हैं, चंपत होना, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती हो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे सीता बहुत सुंदर है, रोशनी बहुत सुंदर है, रोशनी बहुत अच्छा गाना गाती है। अच्छा, सीता सुंदर है, सीता कैसी है, सुंदर है। सीता क्या है, संज्ञा है, एक नाम है, दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। और सीता कैसी है, सुंदर है, सीता की विशेषता बता रही है, सीता का विशेषता बताया जा रहा है। सीता कैसी है, सुंदर है, सुंदर क्या होगा, विशेषण होगा। संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताता हो तो उसे कहते हैं विशेषण। जैसे राकेश बहुत तेज दौड़ता है, राकेश बहुत तेज दौड़ता है। तो राकेश कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, राकेश की विशेषता बता रहा है। कौन तेज दौड़ता है, राकेश तेज दौड़ता है। तो तेज जो है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, मोहन जो है वो कैसा लड़का है, अच्छा यानी विशेषता बता रहा है, मोहन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये हो गया विशेषण। राधिका बहुत सुंदर है, राधिका कैसी है, सुंदर है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलिए किताब शब्द का बहुवचन क्या है, किताब शब्द का बहुवचन। किताब एक शब्द है और बहुत सारे जब किताब होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, किताबें, क्या कहते हैं, किताबें। उन किताबों को ले आना, ठीक है, वो किताबें ले आना, वो किताबें ले आना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस वह किताबें वहां पे रख दो। चलिए निम्न में से कौन आदि काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, आदि काल के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं, क्या होगा सही आंसर। आदि काल के प्रमुख कवि विद्यापति। हम लोगों ने देखा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोगों ने चार भाग में डिवाइड किया था, ठीक है। आधुनिक काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। टाइम पीरियड भी याद रखें, 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी, 1318 से 1643, 1643 से लेकर 1843 और 1843 से लेकर अभी तक आधुनिक काल। तो अगर बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे आदिकाल की। आदिकाल के प्रमुख कवि अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई, विद्यापति, नरपति, नाहल्या और जगनिक। यहां पे विद्यापति थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की कितनी बोलियां हैं, हिंदी की बोलियां कितनी हैं, तो हिंदी की टोटल
18 बोलियां हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, ठीक है। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी है और ध्वनि भी है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोनों, वर्ण और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप बोलेंगे सर दोनों कैसे? जब हम लोग लिखते हैं तो वर्ण, जब हम लोग बोलते हैं तो ध्वनि। वर्ण लिखने पर आता है, ध्वनि जो है वो बोलने पर आता है। लिखने पर तो ध्वनि नहीं आती है, ध्वनि बोलने पर आती है और लिखने पर वर्ण आते हैं। तो भाषा की छोटी इकाई जो है वो ध्वनि भी है और वर्ण भी है, ठीक है। याद रखिएगा, जब लिखने की बात आई तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई, जब बोलने की बात आती है तो ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। समझ में आ गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई। आगे बात करते हैं, अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? अभी हम लोग अपभ्रंश भाषा के बारे में पढ़े थे कि ही बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत से विकास हुआ पाली का, पाली से विकास हुआ प्रकृत का, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। तो अपभ्रंश भाषा का काल क्या है बताएंगे? अपभ्रंश भाषा की काल की बात करें तो सही आंसर होगा 500 AD से, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आइए बात करते हैं, देखिए संस्कृत भाषा की बात करेंगे तो 1500 BC से 500 BC, यानी 1500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व, 1500 BC से 500 BC संस्कृत भाषा का काल है, ठीक है, टाइम पीरियड है। पाली भाषा के टाइम पीरियड की बात करें 500 BC से लेकर 1 AD तक, 500 BC, 500 BC में खत्म हो जाता है संस्कृत और 500 BC में शुरू होता है पाली भाषा का विकास। पाली भाषा 500 BC से लेकर 1 AD तक चलती है। उसके बाद 1 AD से लेकर 500 AD तक प्राकृत भाषा, और 500 AD से लेकर 1000 AD तक अपभ्रंश, 900 AD से लेकर 1100 AD तक अवहट, ठीक है। चलिए, हमसे पूछा गया किस बारे में? हमसे पूछा गया है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा आप देख पा रहे हैं 500 AD से लेकर 1000 AD तक है। ऑप्शन में 500 AD से लेकर 1000 AD ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए, छ वर्ण किसके संयोग से बना है? छ बताएंगे, छ। तो जब आप छ के बारे में पढ़ेंगे, क और श के मेल से छ बना है, छ क और स के मेल से छ बना है, ठीक है। याद रखिएगा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण और ध्वनि भी, तो छ जो वर्ण है वो क और श के मेल से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम शब्द का पर्याय क्या है बताएंगे? अगर अनुपम शब्द की बात करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करें, अनुपम का मतलब होता है अद्भुत, यूनिक, यूनिक। अनुपम का मतलब होता है अद्भुत, यूनिक, कुछ अलग, अनोखा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनोखा का मतलब भी वही होता है, कुछ अलग, समथिंग यूनिक, ठीक है, अद्भुत। तो अनुपम और अनोखा पर्याय शब्द हो जाएगा, दोनों आपस में मेल खाते हैं। जो मीनिंग अनुपम का है वही मीनिंग जो है वो अनोखा का भी है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे, और जिस प्रकार से यहां पे आप गलती किए उस प्रकार से आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है। तो आई होप सो कि आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बात किए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, और आप आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर भी अब दे पाएंगे। अगर एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इनके आंसर्स दे पाएंगे।
ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर से कर दे, ठीक है। और इसी तरीके से एक और मैराथन होगी जहां पे हम लोग हिंदी के सभी काव्य संग्रहों के बारे में बात करेंगे, कहानियों के बारे में बात करेंगे, नाटक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास को अपना प्यार दें, इस वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी जरूर इसको शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।